हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। माय सेल्फ जैक्सन, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट मायोपिया नियर साइटनेस। इन प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड ट्रिपोपिया। ओके, द फर्स्ट पार्ट इज मायोपिया, सेकेंड इज नियर साइटनेस। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट, व्हाट इज मायोपिया। मायोपिया, ए पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, अ पर्सन विथ मायोपिया, अगर जिस पर्सन के बीच ये डिजीज पाए जाते हैं, यानी कि मायोपिया क्या है, कैसे पहचानेंगे मायोपिया का ये डिजीज के अंदर ये प्रॉपर्टी है, इसके अंदर वो गुण है। सो अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को वो इजीली क्या कर पा रहा है, देख पा, ठीक है ना। कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब नजदीक वस्तुओं का किसी भी कोई ऑब्जेक्ट को क्लियरली क्या हो रहा है, सी हो रहा है, दिखाई दे रहा है। बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट को अगर किसी डिस्टेंस पे रख दिया जाए तो वो क्लियर नहीं दिखाएगा। मायोपिया किस लाइक है, ये क्लियर क्यों होती है, जब आंखों में ब्लरिंग आने लगती है, धुंधला दिखने लगता है, तब ये डिजीजेस क्रिएट हो जाती हैं, जिसे मायोपिया बोलते हैं। मायोपिया में नियर की ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा बट डिस्टेंस पे रखा कोई ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देगा, इट इज कॉल्ड मायोपिया और नियर साइटनेस। ओके, सेकेंड, इन ए मायोपिया आई द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्मर इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ। ये क्या है स्टूडेंट, बात इसकी करते हैं कि इन ए मायोपिया आई, मायोपिया आई में इमेज ऑफ डिस्टेंस, जो इमेज का जो डिस्टेंस, किसी भी इमेज का डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, इज फ्रंट ऑफ रेटिना। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं ना, उसका जो इमेज है वो रेटिना बनना चाहिए। मैंने आपको बताया था, मान लो जस्ट लाइक ये ह्यूमन आई है, ये ह्यूमन आई मानते हैं हम लोग। ओके, ये हम लोग ह्यूमन आई मानते हैं, और ये हिस्सा क्या होगा हमारा, रेटिना होता है, क्या होता है, रेटिना, ये रेटिना होता है। और ये मान लीजिए कि क्या है लेंस है, अब किसी भी ऑब्जेक्ट का मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट का जब रे यहाँ पड़ेगा तो ये मान लो कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, जो रे है वो उसका जो इमेज है वो कहाँ बनना चाहिए, रेटिना में बनना चाहिए। अगर ह्यूमन आईज है, हमारी आंखें क्या है, सही है, तो उसका जो इमेज है इसे बोलते हैं रेटिना, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेटिना, जो इसका इमेज है वो रेटिना में बनना चाहिए था, लेकिन रेटिना में नहीं बनता, कहाँ बनता है, रेटिना में बनने के बजाय वो रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले यही बन जाता है, इमेज यहाँ बन जाता है। तब जब इमेज यही बन जाएगा तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, रियल में इमेज यहाँ बनना चाहिए था लेकिन इमेज यहाँ बन रहा है। इसका मतलब ये है आंखों में कुछ चीजें क्रिएट हो गई हैं जिसके वजह से रेटिना पे न बनने बजाय रेटिना से जस्ट इन फ्रंट ऑफ पोजिशन रेटिना को पहले बन जा रहा है, तो यही इसका रीजन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कैसे समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं कार्डियल पे, ये डिफिनेशन है
डिफ्यूजन तो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, डिफ्यूजन आपको लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग कॉजेज, ये डिफ्यूजन हो गया। कॉजेज क्या रीजन है, क्या कारण है कि ये चीजें क्रिएट हो रही है, किस डिफेक्ट में एराइव ड्यू टू, किस वजह से ये क्या होते हैं एराइव डिफेक्ट होते हैं। अब लिखा है इससे कर्वेचर ऑफ आईलेंस, आईलेंस इक्सेसिव कर्वेचर, मतलब कि जो कर्वेचर है आई लेंस का वो बढ़ जाना, बढ़ जाता है। कैसे, अभी मैंने बताया था कि ये मान लो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई है, ऐसे ये ह्यूमन आई है, और ये क्या है, ये लेंस है, ये बोला है कि आई लेंस, यही आई लेंस है तुम्हें। अब आई लेंस क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी जो साइज है ये थोड़ी क्या होती है बड़ी, ये ऐसे बड़ी होती है, ये भी क्या हो जाएगी बड़ी, जस्ट बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसका जो इमेज है बड़ी हो चुके, तो ये दूर जाने के बजाय क्या होगा, पहले ही इमेज बना दे, ये अगर पतला होता तो ये दूर बनता, लेकिन ये हल्का साइज क्या हो गया, मोटा हो गया, जिसके वजह से इनमें क्या हो रहा है, ये बैंड ज्यादा कर जा रहा है और ये इसका इमेज पहले ही बना दे रहा है, यानी कि आई लेंस का बड़ा हो जाता, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। अब ये आई बॉल क्या है, इसको ध्यान रखना स्टूडेंट, आई बॉल देखो बहुत से लोगों का जो आई बॉल होता है, आंखों का ये जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम कर्वेचर होता है, को शेप होता है, बहुत लोगों का कर्वेचर का स्ट्रक्चर सही नहीं होता, तो उसके वजह से भी क्या होती है, आई बॉल की डिस्टर्ब होने से भी रेटिना की इमेजिंग नहीं बन पाती है, यानी कि इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल का बढ़ जाना, बढ़ना मतलब कि अब इसका स्ट्रक्चर इतना रियल कैसे है। ह्यूमन आई के जो नॉर्मल आई है उसका लगभग स्ट्रक्चर तो स्क्वायर का होता है, स्क्वायर का होता है, कैसे होता है, मान लो कि नॉर्मल है, लेकिन जो डिजीजेज है इलॉन्गेशन ऑफ द आई बॉल वो लगभग ऐसे होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। नॉर्मल एक कंडीशन हटने का होती नहीं है, ये कुछ लोगों में ऐसी बीमारियां पाती है जो बचपन से ही वो इस डिजीज का प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर, ठीक है। और देखो स्टूडेंट इसका वजह स्ट्रक्चर और डिस्टर्ब आ रहा है, जब इनका बड़ा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है तो इनका क्लियरिफिकेशन रेटिना पे नहीं बन पाता, इसका इमेज रेटिना ही बन पाता, लेकिन ये क्या हो रहा है, हल्का सा ये जो आई बॉल है वो बढ़ जाता है, जब आई बॉल बढ़ जाएगा तो जाहिर देखना कि रियल में तो ये बॉल गोला होना चाहिए था, लेकिन अगर बढ़ गया तो इसका इमेज यही बन पा रहा है, रियल में यहाँ बनना चाहिए था लेकिन बन ही रहा है, पहले बन रहा है, तो आई बॉल का देखो आई बॉल का ऐसे होता तो रेटिना बन रहा है, लेकिन आई बॉल बिगड़ जा रहा है तो वो थोड़ा लंबा है, उसका शेप क्या हो जाता है, थोड़ा सा लंबा ऐसे, देखो अब रियल में है ऐसे होना चाहिए था लेकिन है ऐसे, यहाँ कहाँ पहुंच पा रहा है, जब पहुंचे पाए नहीं तो वहां पे इमेज बन नहीं पाएगा, जिसके वजह से ये बीमारियां होना शुरू हो जाती है। स्टूडेंट आई होप आपको समझ आया होगा, ये कारण है आंखों का डिजीज उत्पन्न होना, ठीक है। अब इसका करेक्शन करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट, करेक्शन करेंगे, तो करेक्शन मतलब होता है, करेक्शन बता रहा हूं मैं, ये तीसरी हेडिंग है स्टूडेंट करेक्शन, करेक्शन में क्या करेंगे हम लोग, लेंस का यूज करेंगे, ओके। ये मायोपिया है, मायोपिया के डिजीज को करेक्शन करने के लिए हम लोग कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं, जिसके वजह से ये जो हमें ऑब्जेक्ट सही से नहीं दिख रहा है वो कॉन्केव लेंस क्या करता है, उस इमेज के लिए आके रेटिना पे बनाता है, और रेटिना बनते ही क्या होता है आगे हमें दिखाई देना चाहिए, जैसे ये आपका वाला जो आई है और ये आपका इमेज है, और ये में यहां पे ये मान लो रेटिना है, ओके, रेटिना पे इमेज बनना चाहिए था, रेटिना पे इमेज बनना चाहिए था, ओके, तो ये यहां नहीं बन पा रहा है, इसके आगे हम कौन से लेंस लगाएंगे, कॉन्केव लेंस, ये है कॉन्केव लेंस,
इसके अगर मैं कॉन्केव लेंस लगाया है, मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, अब जब ये ऑब्जेक्ट है तो यहां से पहले यहां जाएगा इधर, ओके सबरोंग स्ट्रक्चर कॉन्केव लेंस है, ये कॉन्केव लेंस है, ठीक है कॉन्केव लेंस है, तो पहले इमेज यहां जाएगा तो ये यहां से यहां पहले का, फिर यहां जाएगा फिर यहां से यहां आएगा, तो पहले ये कॉन्केव लेंस पड़ेगा रे को और क्या करेगा एक्सपेंड कर देगा, एक्सपेंड करने के बाद फिर यहां से कॉन्वेक्स, ये हमारा लेंस क्या है कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स ही करेगा रे को यहां पे पहुंचा देगा, कहां पे रेटिना पे, जहां पहुंचना चाहिए वहीं पे ये रे पहुंच रही है, इसका मतलब ये है कि अब इमेजेस हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, ये कौन सा लेंस है इसमें कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस के द्वारा ही इस का करेक्शन किया जा सकता है, इस बीमारी को दूर किया जा सकता है, ये मायोपिया है, आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं हाइपर मेट्रोपिया के बारे में डिस्कस करूंगा जो इसी टाइप का है, पहले मैं डिस्कस करूंगा उसके डिफिनीशन, फिर काजेज और फिर करेक्शन, तो तीन टॉपिक तो लिखनी पड़ेगी और फिगर को स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे करना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट थैंक यू।